तो संजय, निरुपम को आप सुन रहे थे, वो तो डे वन से कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस कर रही है। आज हुआ भी वही और खुश तो आज संजय निरुपम भी होंगे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं योगेश जी यही जानना चाहती हूँ आपसे कि लगातार रातों रात जो हुआ, कानों कान किसी को खबर नहीं लगी, जो भूचाल सियासी आया महाराष्ट्र में उससे हर कोई हिल गया, वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो। देखिए, तमाम घटनाक्रम ये साबित करता है कि काफ़ी दिनों से ये कुछ चल रहा था, ये एकदम से नहीं हुआ है। और एकदम से अजीत पवार का साथ आना, ये कहा जा सकता है कि पूरा एक गेम प्लान था, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अमित शाह की रणनीति और अमित शाह के दूत के तौर पर महाराष्ट्र में जो काम कर रहे थे भूपेंद्र यादव, उनकी रणनीति, जिन्होंने ये कहा जा सकता है कि सेंध लगाने का काम किया। एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस की जो महायुति बन रही थी, वो जो मंसूबे थे, वो सपने जो शिवसेना के थे, ठाकरे परिवार के थे, वो ध्वस्त कर दिए गए। तो ये कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में संजय निरुपम जो कह रहे हैं, संजय निरुपम की बात क्योंकि इसलिए अब बहुत काबिले गौर हो जाती है कि वो डे फर्स्ट से कह रहे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन उनकी इस बात की हवा ज़रूर निकल गई कि वो ये कह रहे थे कि शिवसेना और बीजेपी कोई नाटक कर रहे हैं। यह नाटक नहीं था, बीजेपी और शिवसेना का झगड़ा वाकई में हुआ था और जिसकी परिणति आज देखने को मिली है। ये एक ऐसा राज्य है महाराष्ट्र, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाता और देश की आर्थिक राजधानी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाती, तो एक बड़ा कहा जा सकता है कि मैंडेट उनके खिलाफ जाता और केंद्र में जो सरकार है उसको यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है, बड़ी संसद चल रहा है, बीच संसद के बीच में भी काफ़ी कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं राजनीतिक तौर पर जो नुकसानदायक होते। हरियाणा में सरकार जिस तरह से बनी, अब वो कदम बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और यहाँ पर पवार कैंप में अभी तक ये बात क्लियरली साफ नहीं है कि क्या शरद पवार, अजीत पवार के बीच में वाकई में कोई इतनी अनबन थी कि उनको पता भी नहीं चला और पूरा एनसीपी का जो कुनबा था वो बिखेर के अजीत पवार ने रख दिया, तो एक बड़ी बड़ी बात। दूसरी ओर धनंजय मुंडे, जो कि अजीत पवार के राइट हैंड है, कहा जा रहा है कि धनंजय मुंडे की बड़ी भूमिका इसके अंदर रही। धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी और उसके बाद वो एनसीपी में आए थे, आज वो एनसीपी से विधायक है। और अब बीजेपी और अजीत पवार के बीच कहा जा रहा है सेतु का काम भी धनंजय मुंडे ने किया। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एनसीपी को तोड़ने की जो घटना थी वो इसलिए की गई कि एनसीपी ने प्रॉपर बाड़ेबंदी उनकी जो होनी थी वो शायद नहीं हो पाई। और ये हो सकता है कि एनसीपी को के कुछ विधायकों को इसका अंदाज़ा था कि उनको क्या किया जाना है। यहाँ देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी बाड़ेबंदी की थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अंदाज़ा था कि उनके विधायक टूट सकते हैं। जब उन्हें जयपुर लाया गया था, 5 दिन कांग्रेस के विधायक जयपुर में रुके थे और अविनाश पांडे की अगुवाई में जयपुर आए थे, तो उस वक्त उनमें से 32 विधायक ऐसे थे जो ये जिनके मन में सोच थी कि ये इनके इन प्रकार सरकार में हमें शामिल होना है और इसके लिए भले ही कांग्रेस के अंदर से भी बाहर का रास्ता वो देखने की फिराक में थे और ये बात नेतृत्व को पता थी। यही कारण है कि जयपुर लाकर उनको एक किया गया और उनको किसी भी तरह की छूट यहाँ पर नहीं मिली। तो दीपा, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम चला है उस घटनाक्रम में यहाँ पर अमित शाह का जो पूरा गेम चेंजर का जो गेम प्लान है वो सामने आ गया। क्यों उन्हें चाणक्य कहा जाता है, किस तरह का शाकाहार उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक तौर पर रचा महाराष्ट्र के अंदर, वो हम यहाँ साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन योगेश जी, इसी के साथ ही इस पर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सरकार तो बना ली, शपथ भी ले लिया, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उसे कैसे पाएगी बीजेपी या फिर उसको कैसे आगे लाया जाएगा, क्योंकि अगर इसी मसले पर बात किया जा रहा है, वो कांग्रेस एनसीपी के नेता हो, जो अजीत पवार के खास हैं वो हो या फिर बीजेपी की तरफ से नेता हो, उनका भी यही कहना है कि अभी जो आंकड़ा है वो हम पेश करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, इसलिए हमने शपथ भी लिया हमारे सीएम ने। लेकिन साफ तौर पर ये कि अजीत पवार सिर्फ अपने समर्थकों के साथ आए हैं या फिर पूरी एनसीपी साथ में है, इसको लेकर कोई खुल के जवाब नहीं दे रहा। देखिए दीपा, यहाँ पर अजीत पवार का कुनबा और बढ़ेगा और एनसीपी के और विधायक टूटने की पूरी प्रबल संभावना है। अभी बताया जा रहा है कि 35 विधायक एनसीपी के उनके साथ बताए जा रहे हैं
और देखिए पूरी एक एक सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम देखिए। पहले अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायक दल का नेता चुनने के बाद उनके पास ये ताकत है कि वो विधायक दल का विलय करा सकते हैं। एक संभावनाएं जो थी ना वो उन्होंने अपने खुद ने अपने इर्द गिर्द पहले रची और वो प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़े। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का विधायक दल राजस्थान के अंदर 6 के 6 विधायक आज अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, ठीक उसी तरह वहाँ यहाँ पर भी लाखन सिंह मीणा जो विधायक दल के नेता हैं BSP के, उन्होंने तय किया कि हमारे विधायक यहाँ पर कांग्रेस के अंदर विलय को तैयार है। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में वहाँ के विधायक दल जो NCP का है उसने वहाँ के अपने नेता अजीत पवार की अगुवाई में यहाँ पर सरकार के साथ जाने का तय किया कि BJP के साथ गठबंधन की महायुति की सरकार बनाएंगे। तो वही बात यहाँ पर नज़र आई है कि पहले अजीत पवार ने अपने आप को लीडर बनाया और लीडर बना के उनको पता था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो शरद पवार या किसी से भी उनके जिनके मतभेद हैं पार्टी में वो शायद उनके साथ नहीं जाए। और यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर जो BJP को सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अब उनका क्या रोल रहेगा जो कि NCP के अंदर है। चाहे जिस तरह के हम नवाब मलिक के बयान सुनते थे और चाहे NCP की गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी आजमी के बयान सुनते थे, अब उनका क्या रिएक्शन आने वाला बिल्कुल अब क्या उनका रिएक्शन रहेगा ये भी